शहर में कोरोना कर्फ्यू 31 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। शासन के आला अधिकारी बेवजह घूमने वालों पर सख्ती से कार्यवाही कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस और मास्क का हर संभव पालन करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उससे चालान काटे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन दिनों सबसे ज़्यादा डॉक्टरों की क्लिनिकों पर भीड़ देखी जा रही है। कुछ मेडिकल तो ऐसी भी है जिन मेडिकलों में बाजू की दुकानों में वोटर लगाई जा रही है, परंतु प्रशासन को यह दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखना बाकी है कि प्रशासन कितनी कार्यवाही करता है। कुछ दिन पूर्व SDM राजेश मेहता ने शासकीय डॉक्टर की क्लिनिक भी सील कर दी थी, लेकिन शहर में कोई डॉक्टरों की क्लिनिक 2 गज की दूरी का पालन नहीं करवाया जा रहा है। ऐसे में संक्रमण फैलने का डर मरीजों को बना रहता है। शहर में मरीजों के लिए डॉक्टर भगवान के रूप में है। सबसे ज़्यादा आवश्यक अगर किसी को है तो वो उचित इलाज मिलने की। डॉक्टर भी आजकल मरीजों को देखने ज़्यादा व्यस्त हैं ताकि मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके और यह स्वस्थ हो सके। कोरोना गाइडलाइन का पालन भी कराना डॉक्टर की और मरीजों की जिम्मेदारी है। ऐसे में कुछ दिनों पूर्व एक शासकीय डॉक्टर की क्लिनिक पर सील बंद की कार्रवाई कर दी गई और नोटिस थमा दिया गया। चिकित्सक को हवाला देते हुए बताया कि क्लिनिक पर भीड़ अत्यधिक थी। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का पालन क्लिनिक पर नहीं करवाया जा रहा था। साथ ही निजी व्यक्ति नहीं कर सकते। झोलासा डॉक्टर मरीजों का इलाज धड़ल्ले से कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रशासन पर झोलासा डॉक्टर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सरकारी डॉक्टर अपनी प्राइवेट संस्थाएं क्लिनिक वगैरह चला सकते हैं क्या? सरकारी नियम के तहत सरकारी डॉक्टर अपने घर बैठ के कंसल्टेशन दे सकता है, मरीजों को देख सकता है और अपनी जो परामर्श है वो दे सकता है घर बैठ के। अभी कुछ दिनों पहले गंज बासुदा के SDM राजेश मेहता जी द्वारा एक कार्रवाई की गई थी डॉक्टर अतुल जैन के ऊपर। इस कोरोना की महामारी में कहीं ना कहीं डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई क्या उचित है क्या मैडम? कार्रवाई उचित नहीं है क्योंकि महामारी में जितनी सेवाएं हैं उतनी कम है इस समय तो, क्योंकि जिस हिसाब से पेशेंट निकल रहे हैं और उनके बीच में जाके सेवाएं देना तो कार्रवाई तो उचित नहीं है। लेकिन आपको क्या कारण भाई इस कारण कार्रवाई हुई है उसके बारे में अभी विदित नहीं है, इसलिए कुछ भी कह पाना ये सही है या नहीं है संभव नहीं होगा मेरे लिए। क्योंकि देखने में आ रहा है नगर के अंदर काफ़ी मरीज परेशान हो रहे हैं। एक आप हुई, एक प्रदीप जैन डॉक्टर साहब हुए, संकुल जी हुए, आप ही एक ब्रांड डिग्री होल्डर डॉक्टर हैं, बाकी छोला छाप डॉक्टर तो दिन दहाड़े आप देख ही रहे हैं काम चल रहा है। ऐसे में एक डिग्री मान्यता प्राप्त डॉक्टर पर कार्रवाई डॉक्टरों की ये क्या है बताएं थोड़ा? कार्रवाई तो फिर उचित नहीं है क्योंकि जो महामारी के समय में जो सुविधाएं दे रहे हैं उन पर कार्रवाई करना मतलब कि ये है कि मरीजों की जो फैसिलिटी मिल रही वो भी अपन थोड़ी बहुत उसमें भी परेशानी। करीबन मैडम सरकारी हॉस्पिटल में भी आप भी सेवाएं दे रही हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया, कितने पेशेंटों को रोज देख लेती हैं आप? अभी तो ये है कि फीवर और जो सर्दी जुकाम के मरीज ज़्यादा आ रहा है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो मरीज जो नॉर्मल जो परेशानी है वो तो अपनी काट के रखी जो बहुत ही ज़्यादा अस्वस्थ हैं या जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनको ज़्यादा परेशानी हो रही है वही मरीज अस्पताल पहुँच पा रहे हैं। अभी सब तो अभी अपने घर में ही बंद है, जब थोड़ा लॉकडाउन खुलेगा और मरीज थोड़े बाहर निकलेंगे तो नगर के अंदर सर आपने खुद देखा होगा छोला छाप डॉक्टरों की कई जगह से शिकायतें मिलती हैं पर तमाम इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, आपको क्या कहना चाहिए छोला छाप के लिए? इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और ये जो इल्लीगल जो स्टेरॉयड का यूज़ है जिसकी वजह से ये परेशानी आज की बढ़ी है वो बंद होना चाहिए। अभी नए गोला के पास सुनने में आया था, सूत्रों से जानकारी हुई थी कि एक इंजेक्शन लगाने से एक मौत भी हो चुकी है छोला छाप डॉक्टर द्वारा। उस डॉक्टर की अभी क्लिनिक ही बंद है, ना कोई उनसे मिलना पा रहा हो, वो डॉक्टर का पता नहीं कहाँ है, इसके बारे में तो मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। और आप जैसे सर डिग्री वाले डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहा है, प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, क्या कहेंगे आप इन बातों? अब हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, अब डॉक्टर्स कम हैं, मरीज बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से थोड़ी भीड़ हो जाती है, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का भी कभी कभार होता है कि पालन नहीं हो पाता है, लेकिन हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जो लीगली जो भी तरीके से जो दवाइयाँ दी जानी चाहिए हम लोग सारी दवाइयाँ दे रहे हैं, बट उसके बाद भी अगर थोड़ा सा होता है कुछ तो प्रशासन को समझना चाहिए और ऐसी कार्रवाई जैसे क्लिनिक सील कर दिया तो सर के यहाँ भी क्लिनिक सील हुआ है तो वो चीज़ थोड़ा सा प्रशासन को भी समझना चाहिए। डॉक्टर इस समय सर भगवान के रूप में मरीजों के लिए, तो हमेशा ये समझ के आ रहे हैं डॉक्टर ने जो कह दिया वो मरीजों के लिए सही है। ऐसे में एक नामी गिरामी अतुल जैन बच्चों के डॉक्टर भी हैं और आपके बीच आपकी संस्था से जुड़े हुए हैं, प्रशासन क्या सील करना उचित है क्या? नहीं, सील करना कुछ चीज़ें हैं जो नौकरी के साथ रहते हुए हम लोग नहीं कर सकते या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं
सील करना कोई उचित नहीं है। अगर वो क्लिनिक सील भी हो गया है तो उनको काम करने से नहीं रोका है। सर काम कर रहे हैं, अतुल सर बढ़िया काम कर रहे हैं और पेशेंट देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक छोटा सवाल, क्या सरकारी डॉक्टर को प्राइवेट क्लिनिक चलाने का हक है, क्या उसका परमिशन मिलती है? हाँ, उसको परमिशन है। मेरी अभी सर से बात हुई, कलेक्टर सर से दो दिन पहले बात हुई, CMHO से बात हुई, अपनी जो नौकरी का टाइम है समय उसके बाद अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने घर पे रहकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये क्लिनिक सर अपने घर पे ही हो या फिर अन्यथा और कहीं जगह हो तो उससे कोई समस्या? घर पे ही जहाँ पे रेसिडेंस है या अपना कुछ पर्सनल अपना प्राइवेट है वहाँ पे क्लिनिक चला सकते हैं। चला सर, ठीक, अपने टाइम सेट के। ठीक, धन्यवाद। सकते हैं सरकारी मापदंड के अनुसार हमारे यहाँ पे हमारे जो सरकारी डॉक्टर हैं और उसका शासकीय आवास है, तो शासकीय आवास से बैठकर वो परामर्श और क्लिनिक केवल परामर्श दे सकता है, ना तो खुद ही क्लिनिक रन कर सकता ना ही यानी क्लिनिक पे या किसी नर्सिंग होम में अपनी सेवा। कुछ सरकारी डॉक्टरों से सर मेरी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि जो समय ड्यूटी का होता है ड्यूटी के दौरान उस समय के बाद हम अपने क्लिनिक स्वयं चला सकते हैं। जैसे कि मैंने वापस कहा, सरकारी डॉक्टर जो अपनी सरकारी सेवाओं में हैं अपनी इमरजेंसी आवर्स या रूटीन आवर्स के अलावा अपने क्वार्टर पर या अपने घर पर बैठकर परामर्श शुल्क लेकर ट्रीटमेंट ले सकता है, परामर्श दे सकता है। सर गंज वासुदा के ही एक ऐसे नामी ग्रामी डॉक्टर, देखिए जिन डॉक्टर साहब की आप बात कर रहे हैं इनके पहले भी एक डॉक्टर थे जो थोड़ा सा हमारे यहाँ पर एक अपनी क्लिनिक रन कर रहे थे और वहाँ पे जे महोदय और सबके द्वारा वहाँ पर देखा गया था, तो उनकी क्लिनिक भी सील की गई थी, इसकी जांच करवाई जाएगी। देखते हैं जो डॉक्टर साहब का नाम ले रहे हैं इनकी हम भी जाके विजिट किया जाएगा, देखा जाएगा अगर ऐसी कोई समस्या है। क्लिनिक अगर उनका घर से अलग है, यानी वापस वही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर कोई अपने घर में ही रह के अपना ट्रीटमेंट कर रहा है या छोटा सा जो चैम्बर बना लिया है तो वह वहीं रहा है, उसका घर वहीं पर है, तो उसको क्लिनिक में का है उसका घर का है। बहुत लोगों के पास प्राइवेट हमारे घर हैं और किसी के पास शासकीय आवास है, इनके पास शासकीय आवास है वो शासकीय आवास पर बैठ के ही अपनी प्रैक्टिस करेंगे, इनके पास शासकीय आवास नहीं है तो वो अपना जो जिस घर में रह रहे हैं वहाँ बैठ के प्रैक्टिस कर सकते। पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है सर, एक ब्लैक फंगस करके कोई एक वायरस और बताया जा रहा है जिसमें एक मरीज की मौत होना बताई गई थी, और ऐसे में देखा जा रहा है अतुल जैन डॉक्टर हैं जो अपनी सरकारी नौकरी के टाइम के बाद भी अपने क्लिनिक को चला रहे थे, ऐसे में क्या डॉक्टर की क्लिनिक का कार्रवाई उचित होती है क्या? देखिए मैं आपको वापस ये कह रहा हूँ, आपके दो क्वेश्चन हैं अभी, पहला क्वेश्चन जो आपका ब्लैक फंगस के बारे में था तो मैं बता देना चाहूँगा कि ब्लैक फंगस जो न्यूक्लियर माइकोसिस जो हमारा एक है ये फंगस के कारण होता है क्योंकि सभी जगह पर विद्यमान रहता है, क्योंकि जिनों की रोगों से लड़ने सर कोरोना काल है और एक कम समय में आ रहा है ब्लैक फंगस की कोई बीमारी आ रही है जो काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, और इन कोरोना काल में आप हमेशा सेवाएं दे रहे हैं, सरकारी नौकरी भी है आपकी, क्या कोविड सेंटर में मरीजों के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही? हाँ सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, और ब्लैक फंगस की बात है तो ब्लैक फंगस उन लोगों को ज़्यादा हो रही है जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को स्टेरॉयड की दवाइयाँ ज़्यादा जो कि बाहर से झोला छाप इनको बोलते हैं, हम लोग देखते हैं कि झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं वो सबसे पहले स्टेरॉयड इस्तेमाल करते हैं, वो ये नहीं देखते कि मरीज को शुगर है या नहीं है, तो जब ऐसा मरीज जिसको शुगर है उसको स्टेरॉयड दिया जाता है तो उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो और सारे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसमें ये ब्लैक फंगस जिसको म्यूकर बोलते हैं उसके चांस भी बढ़ जाते हैं। नगर के अंदर सर आपने खुद देखा होगा झोला छाप डॉक्टरों की कई जगह से शिकायतें मिलती हैं पर तमाम इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, आपको क्या कहना चाहिए झोला छाप की? इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, और ये जो इलीगल जो स्टेरॉयड का यूज है जिसकी वजह से ये परेशानी आज की बढ़ी है वो बंद होना चाहिए। अभी नएगोला के पास सुनने में आया था सूत्रों से जानकारी हुई थी कि एक इंजेक्शन लगाने से एक मौत भी हो चुकी है छोला छाप डॉक्टर द्वारा, उस डॉक्टर की अभी क्लिनिक ही बंद है, ना कोई उनसे मिलना पा रहा हो, वो डॉक्टर का पता नहीं कहाँ है, इसके बारे में तो मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। और आप जैसे सर डिग्री वाले डॉक्टर काफी ज्यादा देखने में आ रहा है प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, क्या कहेंगे आप? हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, अब डॉक्टर्स कम हैं, मरीज बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से थोड़ी भीड़ हो जाती है, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का भी कभी कभार होता है कि पालन नहीं हो पाता है, लेकिन हम लोग अपना काम कर रहे हैं, जो लीगली जो भी तरीके से जो दवाइयाँ दी जानी चाहिए हम लोग सारी दवाइयाँ दे रहे हैं, बट उसके बाद भी अगर थोड़ा सा होता है कुछ तो प्रशासन को समझना चाहिए, और ऐसी कार्रवाई जैसे क्लिनिक सील कर दिया, तुल सर के वहाँ भी क्लिनिक सील हुआ है,
तो वो चीज थोड़ा सा प्रशासन को भी समझना चाहिए। डॉक्टर इस समय सर भगवान के रूप में मरीजों के लिए, तो हमेशा ये समझ के आ रहे हैं डॉक्टर ने जो कह दिया वो मरीजों के लिए सही है। ऐसे में एक नामी ग्रामी अतुल जैन बच्चों के डॉक्टर भी हैं और आपके बीच आपकी संस्था से जुड़े हुए हैं, प्रशासन क्या सील करना उचित है क्या? हम कह रहे हैं हमारा, तो अगर वो होता है तो वैसी कंडीशन में पेशेंट और सीवियर कंडीशन में पहुँच जाता है। अब आपको विश्वास करता कि डॉक्टर अतुल जैन के बारे में आप बोल रहे थे, अगर पेशेंट उनका घर पे क्लिनिक है अपना और शासकीय आवास में रह रहे हैं वो अपना, तो वहीं पेशेंट देख रहे हैं और अपना ड्यूटी आवर्स जो भी है उनके उसके पश्चात देख रहे हैं कोई समस्या है। क्या लगता है सर ये कार्रवाई उचित है क्या? इस भरे कोरोना में मरीज परेशान हो रहे हैं, ज़बरदस्ती फ़ोन लगा लगा के कह रहे हैं सर ये डॉक्टर सरकारी अस्पतालों के, तो आप खुद देख रहे हैं सर कितना डॉक्टर लोग डॉक्टर के लिए तो अभी मरीज भगवान समझ रहे हैं सर, इस समय कार्रवाई क्या उचित लगती है आपको? देखिए आप तो एक तरफ दोनों चीज़ें हैं कि कोई भी अनैतिक चीज़ें या अनुचित चीज़ें जो होती हैं नियमावली में है उसको नहीं होना चाहिए। आज अगर हमारे यहाँ पे पूरे अस्पताल में बहुत से जो हमारे डिग्री होल्डर्स हैं, साथ ही साथ में कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो उनके पास कोई डिग्री है लेकिन वो अन्य पद्धति से इलाज कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से बार बार कहना चाहूँगा अगर कोई आयुष चिकित्सक है तो वो अपना आयुष पद्धति से इलाज करे, अगर कोई अपना BUMS है तो अपनी यूनानी जो होता है उससे करे। तो हो ये रहा है कि देखा जा रहा है कि एलोपैथी का इलाज कर रहा है और ऐसी कंडीशन में जो पेशेंट जिनको नॉर्मल दवाइयों से वो ठीक हो सकते हैं उनको हाई स्टेरॉइड्स वगैरह भी दिए जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में वो उनकी तबीयत बिगड़ रही है, तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे। सर सरकार एक तरफ आदेश दे रही है कि डॉक्टर लोग नर्स लोग जो भी हैं उनके लिए भर्ती करें क्योंकि कमी आ रही है, इतने मरीज हो रहे हैं तो डॉक्टर नर्स मौजूद नहीं है इतने, और जो कि इनको देखते हुए अपने विदिशा ज़िले में काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर ऐसे हैं जो निजी क्लिनिक चला रहे हैं, झोला छाप डॉक्टर जो जिन्हें कहते हैं, आज उन तक भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कारण क्या है? कोरोना की महामारी। ऐसे में एक डॉक्टर को टारगेट बनाकर काम किया जाना क्या सही है क्या प्रशासन द्वारा? ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप जिन डॉक्टरों से नाम ले रहे हैं या किसी को टारगेट किसी को नहीं किया जा रहा है, क्योंकि क्या होता है देखिए कि अगर हमारे यहाँ पर मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो रही है, हमारे यहाँ का कोविड पेशेंट अगर बहुत जल्दी टाइम पे हम लोग उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं और उसकी मृत्यु हो रही है, जब छानबीन की जाती है तो कहीं ना कहीं जाके ये चीज़ सामने आती है कि किन कारणों से वो व्यक्ति घर में था, या तो किसी डॉक्टर के द्वारा उसको इंश्योर कराया गया है कि आप ठीक हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, 3 दिन पहले उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है वो अपने घर में आइसोलेशन में चला जाता है, सारी व्यवस्थाएं कर लेता है और छठवें दिन ऐसी कंडीशन में जब सामने बाहर निकल के आता है कि जब उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन 60 या 65 हो चुका होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है उनको संभालना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।